हेलो ऑल, वेलकम टू पीटीएस। पीटीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या हमें आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में किस टाइप का ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या हमें सेल करना चाहिए। तो इसी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप पीटीएस पे नए हैं तो मेक श्योर आप पीटीएस को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो गया है, किसी व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है तो हमारे इस आइकन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने कुछ नई चीज़ फाइंड की है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा मेन प्रोस्पेक्टस होना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अभी भी उस सपोर्ट पे इसने करीबन 2 वीक से इसे सपोर्ट लिया है, मतलब 2 कंजर्क्यूटिव आप कह लीजिए। एक तो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, एक अच्छी ग्रीन वीकली कैंडल क्लोज हुई है और ये वाली कैंडल भी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अच्छी कैंडल हमें दिख रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी की। तो अभी आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो एक्चुअल में यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। आप देख सकते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार और 4 और ये 5वीं बार एक्चुअल में सपोर्ट लिया है। दोस्तों अगर ये तोड़ना होता तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस और निफ्टी 100 पॉइंट माइनस हुआ था। उसके बावजूद भी निफ्टी ने बैंक निफ्टी में प्लस में क्लोजिंग दी। दैट मींस अब नीचे जाने को मार्केट रेडी नहीं है, नीचे से पुलबैक आ रहा है, नीचे से रिट्रेसमेंट आ रहा है, नीचे से लोग बाइंग की चेष्टा कर रहे हैं। ओके तो देखिए, ये हमारा वीकली। अगर हम इसको थोड़ा हम डेली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों, डेली के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ दिख रही है, एक रेसिस्टेंट दिख रहा है। कितना अच्छा रेसिस्टेंट हमने ड्रॉ किया है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4थी बार। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 बार इस लेवल पे रेसिस्टेंट लिया था और 4थी बार इसने लिया रेसिस्टेंट, ठीक है, लेकिन नीचे से पुल बैक आया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अभी हमें अभी फ्रेश पोजीशन कब लेनी है, जब बैंक निफ्टी की डेली कैंडल 28300 के ऊपर क्लोज हो जाए। कितने के ऊपर आप कह लीजिए, 28300 है ना हाँ जी, 28300 के ऊपर जब 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल जब क्लोज हो जाए तो आप बैंक निफ्टी में आप 29000 के टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन। तो ये हमारा है कि हम फ्रेश पोजीशन लेंगे, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट देगा। नीचे हमें किसका सपोर्ट है, नीचे हमें ये कितने का सपोर्ट है दोस्तों, ये 27500 का सपोर्ट है। 27500 का ये जब तक लेवल वॉयलेट नहीं होता तब तक हमें बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। कितना, 27500। जब तक आप देख सकते हैं कि 27500 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि नीचे के ये कितना है हमारा, 27500 का लेवल काफ़ी सपोर्टिव है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब तक 27500 के ऊपर है बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, ठीक है। निफ्टी नीचे जाता, बैंक निफ्टी नीचे जाता है आप बाय कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट फ्राइडे के सेशन में हुआ था, ठीक है। दोस्तों वीकली के टाइम फ्रेम पर मेरे को एक अच्छी चीज़ दिखी है, मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का करेक्शन ख़त्म हो गया है। वो कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक खास डेटा पता लगा है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा कब, 2016 का चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है बैंक निफ्टी का, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको आप छोड़ दीजिए, करीबन जब जब बैंक निफ्टी ने ऊपर से करेक्शन लिया है आप देख सकते हैं कि कितने रुपए का करेक्शन, कितने परसेंट का करेक्शन लिया ऊपर से। ऊपर देखिए 14% का करेक्शन लिया है ऊपर से, फिर से ऑलमोस्ट 13% का, आप 14 कह लीजिए, ठीक है। ये भी 15% का करेक्शन है और ये हमारा कितना है, वन सेकेंड, ये हमारा है आप, वन सेकेंड, ये ज़्यादा नीचे हो गया, ओके, ये आपका फिर से है 14% का करेक्शन। सो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि 14 से 15
परसेंट के करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी हमेशा पुल बैक लिया है। आप देख सकते हैं कि खुद देखिए आप, 14%, 13%, 14-15% और ये 14%। तो अब ये 100% मेरे को तो यही लग रहा है कि अब यहाँ से ये पुल बैक लेने को रेडी हो गया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बना लिया है। ये देखिए, ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि फेल हो जाए, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। इसके चांसेस क्यों कम है? क्योंकि हमारे पास डेटा है। चलिए मूविंग ऑन, हम चलते हैं अब निफ्टी पे। देखिए दोस्तों, निफ्टी में भी हमारा ये वीकली जो हमारा है, वीकली पे कितना सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये हमारा वन सेकेंड, इसको हम डूडल करते हैं। एक बार, दो, तीन, चार बार सपोर्ट ले चुका है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी और ये भी ठीक ठाक कैंडल बन चुकी है। अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक रेसिस्टेंट है, जहाँ पे बार बार निफ्टी रेसिस्टेंट दे रहा है इस प्रकार से। कौन सा रेसिस्टेंट है दोस्तों? ये हमारा है 11,000, आप कह लीजिए 11,100 का कह लीजिए आप, 11,000 पूरा 100, ठीक है। जब तक निफ्टी 11,100 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं देता, तब तक आपको फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है, होल्ड करके नहीं जाना है निफ्टी में, ठीक है। हाँ, आपको एक चीज़ मैं शो कर दूं, निफ्टी में अगर मैं डेली टाइम, निफ्टी में अगर हम नीचे देखें तो निफ्टी में कितने का सपोर्ट है नीचे? हमारा 10,870 का सपोर्ट है दोस्तों। आप 10,850 मान लीजिए, जब तक निफ्टी 10,850 के ऊपर है, जब तक निफ्टी 10,850 का लेवल वॉलेट नहीं करता, तब तक आपको निफ्टी में बाइंग की रणनीति रखनी है, बाइंग ऑन डिप्स की। आप खुद देखिए निफ्टी लास्ट फ्राइडे के सेशन को 100 रुपये डाउन था पूरा, ये कितना 20 से 30 रुपया अपसाइड गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है फिलहाल अब इंडेक्स। तो हमको क्या करना है? बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। जो आपका दोस्तों अगर मान लीजिए निफ्टी 11,100 के ऊपर अगर दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल क्लोज हो देता है, तो आपका निफ्टी में 11,300 का टारगेट और 11,400 का टारगेट बनेगा आने वाले वीक्स में, ठीक है दोस्तों। और निफ्टी में आपको बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है दोस्तों। और देखिए आवरली के टाइम फ्रेम पे निफ्टी आप कह सकते हैं कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको शो कर दूँ, एक बार, दो बार, तीन, चार, तो हो सकता है कि अगर ये लेवल टूटा तो अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, फ्रेश आप अपना सौदा लेके जा सकते हैं। और दोस्तों सेम इसमें भी वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है वीकली के टाइम फ्रेम पे, जो करेक्शन है मेरे को लग रहा है वही। आप थोड़ा खुद देखिए ऊपर से करेक्शन ये कितना ले रहा है बार बार, मैं आपको शो कर देता हूँ। ऊपर देखिए 12% का करेक्शन, 11% का करेक्शन, 15% का करेक्शन और ये 12% का करेक्शन। तो ये हो सकता है कि ये लास्ट करेक्शन है, इसके बाद जैसे हर बार ये पुल बैक ले रहा है, जैसे हर बार ये बाउंस बैक ले रहा है इन लेवल पे, जैसे हर बार ये बॉटम बना रहा है निफ्टी करीबन 2016 से, तो इस बार भी बना सकता है। तो दोस्तों यही था हमारा और यही खास चीज़ मैं आपके लिए लाया था। दोस्तों यदि आपको भी करनी है इस प्रकार से एनालिसिस और आपको भी चाहिए कि आपके अंदर जैसा PTS के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ सके, तो आप हमारा ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। PTS लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, कॉल्स पे निर्भर ना रहें, और हमारे पास ही वो केवल इकलौती चीज़ है जो हम लोगों को देते हैं जो दूसरे के पास नहीं है। दोस्तों अगर आपको भी वो चीज़ लेनी है, आइए PTS में ज्वाइन होइए और अपनी लाइफ में अनुभव स्थापित कीजिए। सो एंड करते हैं ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो जल्द से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।